वेलकम भाई दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये है एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। देखिए इस तरफ से मैं इसको कैसे खोलते हैं, मैंने डिसअसेंबल करने के बारे में सिखा रहा हूं, है ना। तो आप देख सकते हो, देखिए यहां पर इसकी जो स्क्रू है दोस्तों, है ना। देखिए स्क्रू है, यहाँ पास लगा है, यहाँ पास लगा है, यहाँ पास लगा है। तो इसको हम क्या है अभी देखिए निकाल रहा हूँ मैं, इसको निकाल के इसको हम नीचे में रख देंगे। ये लॉक है, ये वाला हिस्सा ऐसा खुलता है, इन लॉक को हटाना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लॉक को मैंने नीचे कर दिया है ना, तो ये यहाँ पर निकल गया है ना। देखिए यहाँ पर जो लगे दोस्तों, ये आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको इससे ऐसे कर देते हैं। देखिए ये निकल गया, ये आपका रैम निकल गया है ना। और देखिए दोस्तों यहाँ पर दो रैम लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर सेकंड रैम भी हमने निकाल लिया, ये सेकंड रैम है। और भी आप देखिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है ये, अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं टेक्निकल एजुकेशन भी देने वाला हूँ, TP टेक्निकल करके चलाऊँगा। अभी आपको आने पड़ेगा दुबे कॉलोनी मोआ रायपुर में, अगर आपको सीखना है। चार्जेस मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, मात्र 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये में मैं आपको 2-3 चीज़ें सिखाऊंगा, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का है, कंप्यूटर असेंबल कैसे करते हैं उसके बारे में। देखिए अब बैटरी निकाल लिया मैंने, ये बैटरी वाला जगह रहता है, देखिए ये भी लॉक रहता है, इसको निकालना पड़ता है। देखिए हम इसको आसानी से, यहाँ पर सभी इसको निकल चुके हैं, देखिए यहाँ पर इसको इसको बाहर करने के लिए देखते हैं कि कहाँ से निकालते बनेगा ये, है ना। देखिए यहाँ पर आपका हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है आपका, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए इसमें खींचने का दिया हुआ है, ये देखिए ये आपका हार्ड डिस्क निकल गया, HDD बोलते हैं आजकल, तो SSD लगता है हम, है ना। तो देख सकते हैं ये निकल गया आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैटरी है, ये देखिए ये इस प्रकार का बैटरी है जो आपकी समय बताता है ना, उसके लिए लगता है ये कंप्यूटर में समय बनाने के लिए, आपका BIOS के लिए भी मतलब इसका प्रयोग होता है। देख सकते हैं यहाँ पर सब चीज़ निकल गया है। अब हम देख रहे हैं कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए। देखिए अब ये यहाँ पर इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये आपका DVD राइटर है। देखिए ये DVD राइटर बाहर आ गया, ये देखिए है ना, सब सिंपल है इसको लगाना। ये साटा केबल वाला है ना, एक में आपका पावर लग जाता है, एक में साटा केबल लग जाता है। देखिए इस प्रकार इसका हर चीज़ निकल चुका है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसको पूरा कैसे खोलना है अपने को। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पूरा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर निकल जाए तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सब लॉक किया जैसा रहता है, ये देखिए ये कीपैड, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको पूरा निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ कुछ चीज़ से फंसा हुआ है, ये निकल नहीं रहा है मेरे से। देखिए स्क्रू लगा है ऐसा लग रहा है मुझे, शायद हाँ। तो देखिए इधर से मैंने पुश किया इसको, तो बाहर क्यों निकल रहा है, इसमें आपका कीबोर्ड भी बाहर आ रहा है, देख सकते हैं वीडियो में। हिस्सा खुल गया है दोस्तों इसका, देखिए है ना। अब तो मैं पूरा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ इसको।
आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रोसेसर लगा हुआ है ना। प्रोसेसर को कूलिंग करने के लिए देखिए इस प्रकार का पाइप लगाया गया है जिससे कूल होता होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हीट सिंक लगा हुआ है। अब इसको मैं खोल देता हूँ। देखो अभी खोलता हूँ इसको। यहाँ पर जो मैं चीज़ पकड़ा हूँ दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोसेसर। हमारा जैसे हृदय होता है वैसा ही इसमें हृदय जैसा ये काम करता है। जैसे हमारा सिरा और धमनी से हमारे रक्त संचार के लिए जुड़ा रहता है, उसी प्रकार ये भी सभी कंपोनेंट से जुड़ा रहता है। हमारे मदरबोर्ड में होता है कैपेसिटर, आपका ट्रांजिस्टर डायोड भी रहता है, वो सब कनेक्शन इसी से होता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका प्रोसेसर है ना। और ये जो आप यहाँ पास गीला गीला देख रहे हैं ये आपका है हीट सिंक। ये आपका होता है प्रोसेसर, जब हीट हो जाता है उसको ठंडे करने के काम आता है ना दोस्तों। और दोस्तों जो मैं प्रोसेसर रखा हूँ ये i3 प्रोसेसर है। i3 प्रोसेसर आपका है ये। यहाँ पर जो रैम रखा हूँ दोस्तों ये है DDR3 रैम है ये, है ना। देखिए दोस्तों ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये आपका मदरबोर्ड है ना। यहाँ पर आपका लगता है प्रोसेसर है ना, आप देख सकते हैं। देखिए प्रोसेसर लगाने की जगह ये पीछे का साइड है, ये आगे का साइड है। पीछे और आगे के साइड को आप इससे पहचान सकते हो, है ना। देखिए इससे पहचानते हैं इसको कि आगे कौन सा है पीछे कौन सा है। आपको अगर टेक्निकल नॉलेज लेना है तो आइए TP टेक्निकल नॉलेज के लिए, बबलू भैया पढ़ाएगा है ना। तो यहाँ पर देखिए लैपटॉप में आप रैम बढ़ा सकते हो है ना। जैसे मान लीजिए एक रैम लगा है, आप एक रैम मार्केट से खरीदिए और उसमें स्लॉट अगर बना है तो आप दो रैम लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 8 GB का है, आप कोई गेम्स वेम्स खेल रहे हैं, चिपक रहा है नहीं चल रहा है, तो रैम लगाइए 8 GB का, 8-16 GB हो जाएगा और चलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, क्या करते हैं बहुत लोग पैसा बचाने के लिए 16 GB का रैम तो खरीद लेते हैं, लेकिन इससे क्या होता है आपको स्पीड बराबर नहीं मिल पाता है। बराबर स्पीड के लिए आप अलग अलग लगाइए। जैसे 8-8 GB का लगाएंगे तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा क्योंकि अलग अलग चैनल में चलेगा वो, है ना। तो आप लोग इस बारे में भी बताइएगा, मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ वो सही है गलत है कमेंट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैं पकड़ा हूँ देखिए मेटेलिक है और ये कीपैड है आपका, कीपैड है ना। अल्फ़ाबेट लिखने के लिए आप इसमें हिंदी इंग्लिश हिंदी फॉन्ट के लिए आपको कुर्ती दब डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का बना रहता है। ये लैपटॉप का है, मैंने हर भाग को यहाँ अलग अलग कर दिया है। और इसके बाद जो है ये आपका डिस्प्ले है दोस्तों, देखिए ये डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में आप देखते हैं, देखिए डिस्प्ले का एक वायर आया रहता है जो आपके इससे जुड़ा रहता है। देखिए डिस्प्ले का वायर इस तरफ आया हुआ है ना। तो यहाँ पर मैंने डिसअसेंबल कर दिया है, देखिए हर पार्ट को मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ लेता हूँ जो जो मेरे हाथ में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये देखिए है ना, ये हार्ड डिस्क है, इसको भी हाथ में रख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है आपका, है ना। तो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है वो आप लोग को कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा, तो मुझे पता भी चलेगा है ना। मुझे पता चलेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं मॉडल के रूप में यहाँ पर चिपकाऊँगा। जैसे किसी को समझाना है, ये आपका पंखा है जो कूलिंग के काम आता है आपके प्रोसेसर के लिए, है ना। और जैसे कि मैंने पहले में बताया था ये जो है ये आपका बैटरी है। देखिए बैटरी का मैं यहाँ पर रेटिंग पूछ बता देता हूँ आपको। ये जो बैटरी आता है वो 11.11 वोल्ट कैपेसिटी होता है इसका, 48 WH का होता है, वाट हावर ऐसा होता है मेरे ख्याल से, आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है। तो यहाँ पर इस बैटरी को लगाने से आपका बैटरी बैकअप मिल जाता है, तो लाइट गुल होने पर भी चलता है। वैसे तो लैपटॉप को वो बिना लाइट के ही मतलब चार्ज करके चलाया जाता है। और देखिए हार्ड डिस्क में भी कैपेसिटी होता है, तो इस वाले हार्ड डिस्क का कैपेसिटी मेरे ख्याल से 320 GB का है। तो देख सकते हैं बहुत ही छोटा रहता है। SSD कार्ड भी इतना ही बड़ा रहता है, SSD में ज़्यादा स्पीड मिलता है आपको। उससे स्पीड अगर जाना है तो M.2 में जाइए। और हाँ, कोई भी कंप्यूटर अगर आपको असेंबल कराना है तो बताइएगा हमें, हम आपको करके दे देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फिर से प्रोसेसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हीट सिंक जरूर लगाइएगा। हाँ, अगर आपका कंप्यूटर चिपक रहा है किसी कारणवश तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि उसमें हीट सिंक लगाइए, तो आपका कंप्यूटर चिपकना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैंने Core 2 Duo वाले प्रोसेसर में लगाया था तो उसका सॉल्यूशन हो गया था। ये होता है आपका बैटरी जो समय बताता है कंप्यूटर में, बायोस के वर्क के लिए भी आता है, बूटिंग मतलब हाँ। तो इसी से आप बायोस वाला जो मेनू दिखता है उसमें कंप्यूटर में उसको आप देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।
धन्यवाद। और मैं जो टीचिंग करा रहा हूँ वो ठीक से कराता हूँ, वही बताइएगा। थैंक यू।